Hi everyone, let's start with the next episode of Sawal Sunday. So I'm directly jumping on question number one, which says, if an employee takes loan from a company of ₹20,000 in previous year 18-19 and then again of 20,000 the previous year 19-20, will 20,000 be exempt in previous year 19-20? Okay. Employee ne pehle loan liya hai ₹20,000 ka, repay kiya hai nahi kiya hai? Okay. अगर पहले 20,000 का लोन लिया था और इन केस वो रीपे हो गया है तो फिर दोबारा से 20,000 का ले सकता है, दैट इज एग्जेम्प्ट। बट इन केस अगर फर्स्ट लोन आउटस्टैंडिंग है और फिर वो नेक्स्ट ईयर दोबारा से 20,000 ले लेता है तो देन एग्रीगेट इज मोर देन 20,000, उस केस में तो टैक्सेबल हो जाएगा फिर सेकेंड ईयर में, फिर एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। इन केस फर्स्ट लोन वॉज रीपेड इन दैट ईयर इटसेल्फ, इस साल 20,000 का फ्रेश लोन लिया है, पहले की कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, उस केस में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर टू, इट सेज सर इफ आरएफए इज अवेल्ड, रेंट फ्री अकोमोडेशन इज अवेल्ड 7 months 24 डेज देन पार्ट ऑफ द मंथ विल बी इग्नोर्ड और कंसिडर्ड, इट शुड बी कंसिडर्ड। आरएफए में ऐसा नहीं है, मोटर कार फैसिलिटी वगैरह होता है उसमें हम लोग पार्ट ऑफ द मंथ को इग्नोर करते हैं, बट इन दिस केस आरएफए में ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है। फॉर एंटायर 7 months 24 डेज की आपको सैलरी कंप्यूट करनी पड़ेगी, आरएफए सैलरी, टू कैलकुलेट दिस परक्यूजिट। तो क्वेश्चन नंबर टू इट वॉज इजी। क्वेश्चन नंबर थ्री है, आई हैव अ डाउट इन लेक्चर 31 ऑफ कैपिटल गेन। ओके, जो कैपिटल गेन के यूट्यूब पर लेक्चर्स हैं उसमें, सर इफ हाईएस्ट लोएस्ट एंड एवरेज प्राइस ऑफ शेयर्स ट्रेडेड ऑन आरएससी आर गिवन ऑन 31st जनवरी 2018 देन व्हिच अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज फेयर मार्केट वैल्यू। ओके, ये क्वेश्चन है सेक्शन 112A का, जहां पर आपको पता है कि अगर हम शेयर्स, लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट को सेल आउट करते हैं तो कैपिटल गेन अराइज होता है। और आप याद कर लीजिए 112A में है 10% का रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे लगता है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, और कॉस्ट कैसे लेते हैं, यहाँ पर कॉस्ट को कंपेयर किया जाता है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st जनवरी 2018। 31st जनवरी 2018 ही क्यों लेते हैं, तो मैंने वहां पर बताया था आपको, क्योंकि ये प्रोविजन फरवरी 18 के बाद से आए हैं तो उससे पहले का आपको बेनिफिट दिया जा रहा है। ओके, द क्वेश्चन हेयर इज कि फेयर मार्केट वैल्यू सर जो 31st जनवरी 18 की लेनी है ये तो बात समझ में आती है, बट उस दिन अगर डिफरेंट प्राइजेस पर वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हुए थे तो कौन सा प्राइस लेना है। आपको पता है कि किसी भी दिन शेयर का प्राइस एंटायर डे पर जब भी ट्रेडिंग चलती है स्टॉक एक्सचेंज पर, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। और जब आप एंड ऑफ द डे स्टॉक मार्केट को देखते हैं तो वो हर स्टॉक के बारे में बताता है कि इसका हाईएस्ट प्राइस कितना गया आज, लोएस्ट कितना था और एवरेज कितना था। तो इन दैट केस क्वेश्चन ये है कि सर वो कौन सा प्राइस ले रहे हैं, तो इन दैट केस इट इज डिफाइंड वहां पर 112A में लिखा हुआ है साफ साफ दैट यू हैव टू टेक द हाईएस्ट प्राइस। तो 31st जनवरी 2018 का जो हाईएस्ट प्राइस था दैट विल बिकम योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर, सर इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, ओके, असेसी इज एन इंडिविजुअल रिसीव्स एन एडिशनल 2 lakh rupees ड्यू टू कोर्ट केस ऑन गवर्नमेंट फॉर इनएडिक्वेट कंपनसेशन, ओके, ऑन 1 crore हाउस, ही ऑलरेडी पेड टैक्स ऑन 1 crore 2 years अगो, विल दिस 2 lakh बी टैक्सेबल फॉर और एग्जेम्प्ट बिकॉज ऑफ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। If earlier 1 crore 2 lakh would have been given, then whole 2 lakh would have been taxable. Okay. Yes. Okay. Question ये है यहाँ पर कि एक house compulsory acquire हुआ और वहाँ पर 1 crore rupees की compensation दी गई और बाद में enhanced compensation 2 crore की मिली। तो सर अगर वो बाद में compensation मिलती है तो क्या वो taxable होगी या exempt होगी? देखिए आपको पता है this is अगर स्पेसिफिकली बातें करूंगा तो दिस इज सेक्शन 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन का। वो ये कहते हैं कि आपको जितना कंपल्सरी एक्विजिशन ओरिजिनली डिसाइड हुई है जिस भी ईयर वो मिलती है, इवन पार्ट ऑफ द कंपनसेशन भी मिलती है, तो वो उसी साल हम टैक्सेबल करते हैं। तो इन दिस केस 1 crore rupees आपको इनिशियली मिले थे और वही शायद डिसाइड भी हुई थी, तो आपकी 1 crore के हिसाब से ही लास्ट टू लास्ट ईयर जब भी ये मिलेगा तो वहां पर टैक्सेबल हो जाएगा। अब 2 साल के बाद यहाँ पर असेसी को एक्सेस कंपनसेशन, इनहांस्ड कंपनसेशन मिल रही है, तो द लॉ सेज कि वो जिस साल भी इनहांस्ड कंपनसेशन उसको रिसीव होती है
वो उस ईयर की कैपिटल गेन की इनकम बन जाएगी। अब चाहे वो उस साल अगर वो रिसीव हो रही है तो हम सेकेंड ईयर की इनकम बनाएंगे। मान लेते हैं कि एसएससी की कोई और इनकम नहीं है तो वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में जाकर जीरो हो जाएगा, बट यस इनकम तो वो सेकेंड ईयर की बनेगी जब वो एक्चुअली 2 लाख रुपीज आपको मिले हैं। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर शुरू में ही इसको 1 करोड़ 2 लाख रुपीज मिल जाते तो फिर वो 1 करोड़ 2 लाख रुपीज ही पूरे टैक्सेबल होते, बट यहाँ पर एसएससी का आपके हिसाब से टैक्स सेव हुआ है, बट मेरी तरफ से देखा जाए तो उसको 2 लाख रुपए 2 साल के बाद भी मिले हैं। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इफ एन अर्बन लैंड इज एक्वायर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई एंड वी चेंज द लैंड टू एग्रीकल्चर लैंड, विल इट स्टिल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम कैपिटल गेन? ओके, शायद क्वेश्चन ये है कि एक अर्बन लैंड था और उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कराया गया था, जैसे कन्वर्जन होता है लैंड का, तो उसके बाद वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई ने एक्वायर किया है, तो क्या हमें सेक्शन 1037 होता है यहाँ पर कि उसकी एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, सेक्शन 1037 में लिखा हुआ है कि इन केस योर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड गेट्स कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी प्रोवाइडेड वो एग्रीकल्चर लैंड आप पिछले 2 साल से एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। तो इनकेस ये जो आपने कन्वर्जन कराया है एग्रीकल्चर लैंड में, अगर ये पहले 2 साल पहले से हो चुका था तो इस केस में आपको 1037 के एग्जम्पशन मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है, आई सपोज आई हैव रेड दिस क्वेश्चन करेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वहां पर लिखा हुआ है, सर कैन एन इंश्योरेंस कंपनी गिव अ नॉन कैपिटल असेट आफ्टर द डैमेज ऑफ कैपिटल असेट? इफ यस देन कैपिटल गेन विल बी एग्जम्प्ट? ओके, ये है सेक्शन 45(1)(a), वहां पर लिखा होता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी ने अगर हमें कुछ पैसा दिया है या फिर कोई अदर मनी दिया है, कंसिडरेशन में कुछ और चीजें दी हैं, तो भी हम टैक्सेबल करते हैं। तो चाहे इंश्योरेंस कंपनी हमें कैश दे, कुछ भी दूसरा कंसिडरेशन दे, चाहे वो कैपिटल असेट हो या ना हो, हमारा जो डैमेज हुआ है तो दैट वॉज अ कैपिटल असेट। तो वो सिर्फ यहाँ पर इट इज इररिलेवेंट कि इंश्योरेंस कंपनी हमें किस फॉर्म में असेट दे रही है, इट कुड बी एनी फॉर्म, कैपिटल गेन तो अराइज करेंगे बिकॉज यहाँ पर एसएससी का कैपिटल असेट डिस्ट्रॉय हुआ था और यहाँ पर कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, कैन इंश्योरेंस कंपनी अंडर 45(1)(a) नीड टू बी रिकॉग्नाइज इंश्योरेंस कंपनी और इट कैन बी एनी इंश्योरेंस कंपनी? ओके, क्वेश्चन है कि जो हम 45(1)(a) में टैक्सेबल करते हैं, वहां पर लिखा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसे मिले, तो स्टूडेंट ने क्वेश्चन ये पूछा है कि सर वो रिकॉग्नाइज्ड इंश्योरेंस कंपनी होनी चाहिए क्या, IRDA से या कोई भी हो सकती है? सो इफ आई स्पेसिफिकली रीड द लीगल लैंग्वेज ऑफ 45(1)(a), इट सेज एनी इंश्योरेंस क्लेम, तो एनी इंश्योरेंस क्लेम का मतलब तो एनी इंश्योरेंस क्लेम, तो चाहे वो रिकॉग्नाइज इंश्योरेंस कंपनी से मिले या नॉन रिकॉग्नाइज इंश्योरेंस कंपनी से मिले, तो दोनों ही केस में हम टैक्सेबल करें, तो रिकॉग्नाइज या नॉन रिकॉग्नाइज दोनों हो सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन शुड वी कंसीडर ट्रांसफर ऑफ एसेट व्हेन इट इज डैमेज्ड? सारे इंश्योरेंस कंपनी के यार हैं। ओके, व्हेन शुड वी कंसीडर ट्रांसफर ऑफ एसेट व्हेन इट इज डैमेज्ड और व्हेन द क्लेम इज पास्ड, मनी इज नॉट येट रिसीव्ड, जस्ट क्लेम इज पास्ड? ओके, आई जस्ट रिफ्रेज दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि एक असेट था, कैपिटल असेट था जो कि डैमेज हो गया, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को एडमिट कर रही है फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर, और बाद में उसका इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, तो कैपिटल असेट ट्रांसफर कब माना जाएगा? तो 45(1)(a) इतनी बात तो बहुत क्लियर है, ये तो सिंपल है कि हम कैपिटल गेन अराइज करेंगे, टैक्सेबल करेंगे जब हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है। बट हम यहाँ पर शायद स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होगा कि सर इंडेक्सेशन कब तक की होगी, जब एक्चुअली असेट डैमेज हुआ या जब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है, अभी उसने पैसा रिलीज नहीं किया है, दे आर जस्ट एडमिटिंग दैट क्लेम। तो हेयर अगेन 45(1)(a) इज वेरी क्लियर कि यहाँ पर इंडेक्सेशन होगी अप टू द असेट व्हेन इट इज डैमेज्ड, तो इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट वो क्लेम कभी भी किया हो दैट इज नॉट रिलेवेंट, जब एक्चुअली असेट डैमेज हुआ तब तक ही उसका कैपिटल गेन आएगा और वो टैक्सेबल करेंगे इन द ईयर व्हेन द कंपनसेशन व्हेन द क्लेम इज एक्चुअली रिसीव्ड। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, सर प्लीज एक्सप्लेन द टॉपिक वेयर इन वेयर द कैपिटल सॉरी वेयर द असेट ट्रांसफर टू स्पाउस एंड ट्रांसफर्ड असेट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द स्पाउस देन हाउ क्लबिंग प्रोविजन वुड बी एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एंड इफ ट्रांसफर्ड असेट इज इन्वेस्टेड देन विच डेट इन्वेस्टमेंट अमाउंट शुड बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ क्लबिंग। ओके, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये। होता क्या है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्लबिंग का क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि अगर इंडिविजुअल ने अपने स्पाउस को कोई असेट ट्रांसफर किया है, वी अंडरस्टैंड कि उससे जो भी इनकम आती है वो वापस इंडिविजुअल के हाथों में क्लब हो जाती है अगर ये विदाउट कंसिडरेशन दिया गया था। तो इस केस में अगर स्पाउस ने ये असेट अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है तो इस केस में क्या प्रोविजन होते हैं, कंप्यूटेशन कैसे होती है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन ऐसे ही बिना बोर्ड वगैरह के। इस केस में होता क्या है कि अगर इंडिविजुअल ने फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ने ये 1 मई 2018 को, यानी कि बीच में कहीं पर प्रीवियस ईयर के कहीं पर बीच में 1 मई 2018 को कोई एसेट ट्रांसफर किया, उस समय ऑलरेडी स्पाउस का जो बिजनेस चल रहा था उसमें कैपिटल जो भी अमाउंट की लगी हुई थी, लेट्स से 10 लाख रुपीज की लगी हुई थी, तो उस साल हम लोग कोई इनकम क्लब नहीं करेंगे क्योंकि एज पर द कंप्यूटेशन ऑफ क्लबिंग यहाँ पर इस सेक्शन में वहां पर लिखा हुआ है कि हम लोग देखते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर मतलब 1 अप्रैल। लॉजिक एक्चुअली क्या है कि हम जो बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करते हैं, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करते हैं वो हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड पर आता है। ऑल्दो वैसे तो रोज हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड चेंज होती रहती है बिकॉज डेली वी अर्न प्रॉफिट और हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड चेंज होती रहती है, बट स्टिल टू सिंप्लीफाई इट, टू सिंप्लीफाई द कंप्यूटेशन, हम लोग मानते हैं कि हमने अपनी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट अर्न करा है, जो हमारी कैपिटल फर्स्ट डे ऑफ द ईयर इन्वेस्टेड थी उसके ऊपर हमने प्रॉफिट अर्न करा है। इसलिए ये लॉजिक रखते हुए तो इनकम टैक्स ने हमें कंप्यूटेशन के रूल्स जो दिए हैं वो ये कहा है कि जो हमारी कैपिटल एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन्वेस्टेड रहे। सो कमिंग बैक टू माय एग्जांपल, अगर 1 मई 2018 को कोई असेट ट्रांसफर किया गया मिस्टर ए ने अपनी वाइफ को किया मिसेस ए को, तो क्योंकि वो 1 अप्रैल 2018 को नहीं किया था, फर्स्ट डे को कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं की थी, तो इस साल जो प्रॉफिट अराइज होंगे ओपनिंग कैपिटल में हम मिस्टर ए की अमाउंट इन्वेस्टेड नहीं देंगे। बट नेक्स्ट ईयर इफ वी आर क्लबिंग फॉर 1920, प्रीवियस ईयर 1920 के लिए क्लबिंग कर रहे हैं, अगर हम यहां पर 1 अप्रैल 2019 देखेंगे तो मिस्टर ए का भी यहां पर शेयर लगा हुआ था, तो उस साल यहां पर आप क्लबिंग करेंगे। कितनी क्लबिंग करेंगे, प्रोपोर्शनेट कर लेंगे, जितना भी प्रॉफिट अर्न करा उसमें से कैपिटल जितनी स्पाउस की लगी हुई है उसमें से मिस्टर ए की कितनी थी, तो मिस्टर ए की कैपिटल एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर 2019 में आएगा ये, क्योंकि 2018-19 में तो कोई क्लबिंग नहीं हुई थी क्योंकि फर्स्ट डे कोई अमाउंट इन्वेस्टेड नहीं था। ठीक है, समझ में आ रहा है, मैं ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। तो 1920 में हम यहाँ पर टैक्सेबल करेंगे इसको, तो क्लबिंग हो जाएगी, तो 1 अप्रैल 2019 को न्यूमरेटर में रखिएगा, डिनोमिनेटर में टोटल कैपिटल रखिएगा वो भी 1 अप्रैल 2019। वी आर कैलकुलेटिंग फॉर प्रीवियस ईयर 1920, 1819 में कुछ नहीं हुआ था, 1920 में हो रहा है। टोटल कैपिटल यहाँ पर स्पाउस की कितनी आएगी, जितनी उनके पास पुरानी कैपिटल थी पिछले साल तक, जितने भी प्रॉफिट अर्न करा था, प्लस मिस्टर ए की कैपिटल, वो टोटल कैपिटल आ जाएगी, तो डिनोमिनेटर में टोटल कैपिटल आ जाएगी। इस तरीके से आप प्रोपोर्शन कर देंगे इनटू प्रॉफिट का, तो जितना भी आएगा वो वापस मिस्टर ए के हाथ में क्लब हो जाएगा उतना प्रॉफिट। 1819 में कुछ नहीं होगा, 1920 में ही होगा। ठीक है, ओके, टेकिंग द लास्ट क्वेश्चन नाउ। सर, अ हाउस प्रॉपर्टी हूज फेयर रेंट इज 1,20,000 इज वेकेंट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, municipal tax for the paid for the house property is 20,000, what is its NAV, net asset value kya lenge? Yahan par ye asset pure saal vacant raha hai, self occupied to nahi tha because we have provisions ki agar ghar self occupied ho to hum uski NAV nil lete hain, ya fir in case agar vacant hoga due to employment outside to hum usko bhi self occupied ki tarah treat karte hain, but agar ye normal vacant tha, ठीक है, वो दोनों provisions नहीं थे, ना तो ये self occupied है और ना ही वेकेंट है बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड, तो इस केस में तो यहाँ पर इनकम टैक्स हाउस प्रॉपर्टी के रूल्स थोड़े से बहुत क्लियर है यहाँ पर
कि इस केस में तो हम लोग डीम्ड एनएवी ही लेते हैं, डीम्ड जीएवी ही लेंगे, तो इस केस में फेयर मार्केट वैल्यू 1,20,000 आएगी माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 20,000 एंड योर एनएवी विल बिकम 1,00,000 रुपीज। ठीक है, इसके ऊपर एक केस भी था क्योंकि यहाँ पर एसएससी थोड़ा सा एग्रीव्ड था, भाई मेरा घर पूरे साल वेकेंट रहा है, मुझे फिर भी पूरे साल का टैक्स देना पड़ रहा है, बट येस देर वॉज अ केस, मुझे याद आता है आंध्र प्रदेश का हैदराबाद का केस था, मिस्टर विवेक जैन आई सपोज, तो वहां पर यही डिसाइड हुआ था कि यस आपको टैक्स पे करना पड़ेगा डीम वैल्यू के हिसाब से, तो एनएवी विल बी 1,00,000 रुपीज इन दिस केस। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, ये 10 क्वेश्चंस मैंने आज लिए हैं। ठीक है, प्लीज कीप शेयरिंग योर क्वेश्चन, यू कैन व्हाट्सएप मी, इनफैक्ट जीएसटी के भी क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं। अच्छा हाँ, मैंने जीएसटी की काफी स्टूडेंट्स डिमांड आ रही थी इसलिए मैंने एक पूरा चैप्टर सप्लाई का अपलोड किया है, मैंने शायद उसकी 4 लेक्चर्स डाल रहे हैं, प्रोबेबली कल या परसों आई विल पोस्ट अदर लेक्चर्स ऑल्सो, तो वहां पर देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे ये करनी है कि आपके मई 2020 में एग्जाम्स है सीएमए और सीएस स्टूडेंट्स के लिए, जून 2020 में एग्जाम्स है, तो फरवरी में मैं सोच रहा हूँ कि कुछ रिवीजन वीडियोस मैं अपलोड करूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कुछ टॉपिक जिसकी आप रिवीजन वीडियोस चाहते हैं स्पेसिफिकली फॉर मई 2020 और जून 2020 एग्जामिनेशंस। दूसरा, क्या आप रिवीजन वीडियो चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि मैं लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करूँ उसकी प्रेजेंटेशन के साथ, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और पॉसिबली हम लोग 15 फरवरी के बाद हम ये एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।